Welcome to Rancike online learning. So here we are with the question of DPP 5 mathematics. The question is the function f of x log x minus 1 minus log x minus 2 and g of x log x minus 1 upon x minus 2 are identical when x lies in the interval. So तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं कि जब जब भी हमें दो फंक्शन आइडेंटिकल्स करने होते हैं तो उसके लिए कुछ तीन कंडीशंस होती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है. तो वो तीन कंडीशंस कौन सी होती हैं? जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो दूसरे फंक्शन के इक्वल होना चाहिए आइडेंटिकल होने के लिए. एंड जो सेकेंड कंडीशन है जो फंक्शन का डोमेन है डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि हमारे पास है एफ ऑफ एक्स should be equal to g of x. ये हमारी सेकेंड कंडीशन है कि डोमेन जो एफ ऑफ एक्स का होता है वो जी एक्स के डोमेन के इक्वल होना चाहिए. और जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स should be equal to g of x. तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस हैं कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी एक्स के इक्वल भी होना चाहिए उन दोनों के डोमेन भी इक्वल होने चाहिए और उन दोनों की रेंज भी इक्वल होनी चाहिए. तो अब हम चेक करते हैं कि फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो जी एक्स के इक्वल है. फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं. तो लॉग एक्स माइनस वन माइनस लॉग एक्स माइनस टू ये तो हमें पता ही है लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए माइनस लॉग बी किसके बराबर होता है log a अपॉन b. तो इसमें डालेंगे ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो log x माइनस वन अपॉन x माइनस टू. तो इसका मतलब जो f ऑफ x है वो g x के इक्वल है. f ऑफ x g x के इक्वल है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड है इससे. अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे डोमेन ऑफ f ऑफ x शुड बी इक्वल टू g ऑफ x. तो हमारे पास ये था क्वेश्चन log ऑफ x माइनस वन माइनस log x माइनस टू ये एफ ऑफ एक्स है और g ऑफ x हमारे पास है log ऑफ x माइनस वन अपॉन x माइनस टू. तो डोमेन चेक करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम चेक करने के लिए अब जो log में क्या होता है जो लॉग का अंदर वाली चीज़ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है. तो इसका मतलब जो x माइनस वन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए. ऐसी जो लॉग के अंदर अब x माइनस टू है ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए. तो यहाँ से आता है x इज़ ग्रेटर देन वन एंड x इज़ ग्रेटर देन टू. तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है. तो इसका मतलब है x वन से इन्फिनिटी है एंड इसका मतलब है x टू से इन्फिनिटी है. हाँ और हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ये वन है तो ये वन से आ गया और यहाँ पे टू ले लिया तो ये टू से आ गया. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा हुआ टू से आगे वाला पार्ट जिसमें दोनों आ रहे हैं. तो इसका दोनों का आंसर क्या हो जाएगा एक्स इज़ ग्रेटर देन टू और जब हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी. अब ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स का डोमेन हो गया ये उसका डोमेन हो गया. अब जी एफ एक्स के डोमेन के बारे में बात करते हैं कि अब फिर से जो लॉग के अंदर चीज़ होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए मतलब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो. तो अब इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं. अब एक्स माइनस वन मतलब एक वन पे और एक्स माइनस टू मतलब कि टू पे. अब टू से कोई चीज़ बड़ी रखेंगे तो उसका आंसर ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा और वन और टू के बीच में जैसे 1.5 रख दिया तो यहाँ तो पॉजिटिव आ जाएगा और नीचे नेगेटिव आ जाएगा. तो इसका मतलब ये वन से और टू में आंसर क्या आएगा नेगेटिव और वन से नीचे रखेंगे तो फिर से आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि जैसे ज़ीरो रख दिया तो माइनस वन अपॉन माइनस टू फिर से आंसर पॉजिटिव आ जाएगा. और हमें क्या करना है ग्रेटर देन ज़ीरो निकालना है तो मतलब पॉजिटिव वाला रीजन लेना है. तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्स हमारे पास बिलोंग होना चाहिए वो है माइनस इन्फिनिटी से वन और फिर यूनियन टू से इन्फिनिटी मतलब हमारे पास ये एक्स होना चाहिए. और उन्होंने बताया कि ये फंक्शन ऑलरेडी आइडेंटिकल है उन्होंने हमें दिया हुआ है. आइडेंटिकल के लिए एक्स की रेंज क्या होनी चाहिए अब जब एक्स की रेंज क्या होनी चाहिए तो हमें पता है कि डोमेन दोनों के इक्वल होने चाहिए. अब जो एफ ऑफ एक्स का डोमेन है वो टू से इन्फिनिटी है और जो जी ऑफ एक्स है उसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से वन और टू से इन्फिनिटी है.
अब दोनों को अगर फंक्शन आइडेंटिकल है तो दोनों का डोमेन इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब इस जो फंक्शन है इन दोनों दोनों को जो एक्स होना चाहिए वो टू से इन्फिनिटी होना चाहिए, तो टू से इन्फिनिटी होना चाहिए, तो इसका आंसर कितना क्या हो जाएगा हमारे पास, सी आंसर हो जाएगा, टू से इन्फिनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक अवर वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड टू ज्वाइन अवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप फॉर फ्री डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, थैंक यू।